हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, आज लेक्सी ने काफ़ी परेशान कर दिया। मैं तो इतना डर गया था कि बस आपकी सोच है। मैंने बोला कि बस आज तो लेक्सी का आखिरी दिन है। गाइस, आज लेक्सी का इतना ब्लड निकला कि क्या बताऊँ आपको। तो अभी खैर इनको मैं थोड़ा वॉक पे लेके आया हूँ ताकि इसको थोड़ी अच्छी इन्वायरमेंट मिले, थोड़ा इसको अच्छा फील हो। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि क्या हुआ आज। ये देखें गाइस, आज इसका इतना ब्लड निकला। मैं खुद देख के परेशान हो गया और इतना मैं डर गया। मुझे तो लगा कि बस आज इसका आखिरी दिन है, कि सारा ब्लड इसका निकल जाएगा और बस ये गई। फिर दोस्तों, ठंडा पानी इसके सर पे डाल डाल के और तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया कि इसका ब्लड बंद हो ही नहीं रहा था। तो खैर दोस्तों, बहुत मुश्किल से ब्लड इसका रुका। जब ठंडे पानी से भी नहीं रुक रहा था तो फिर मैंने बर्फ़ का टुकड़ा लिया और डायरेक्टली बर्फ़ इसके सर पे लगाई। क्योंकि दोस्तों, अक्सर जो है ना गर्मियों में ऐसा हो जाता है। तो अभी देखें, काफ़ी देर बाद इसको रिलीफ मिला और ये अच्छी हुई। तो अभी मैं पार्क में आया हूँ इनको लेके। मैंने सोचा कि थोड़ा इनको अच्छा फील होगा। और आप देख सकते हैं कि अभी ये घर से चल के आई है। बिल्कुल ये ब्लड इसका रुक चुका था, अभी ये थोड़ा घर से चल के आई है और फिर आप देख रहे हैं कि ब्लड थोड़ा थोड़ा दोबारा आना शुरू हो गया है। इसके मुंह पे आप देखें लगा हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, अभी ब्लू साहब घास खाने में मस्तियां करने में लगे हुए हैं। ये अक्सर डॉग्स घास खाते हैं क्योंकि इनके पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है घास। तो अभी देखें दोस्तों, इसको काफ़ी बेहतर फील हो रहा है यहाँ आके। जैसे ही शाम हुई, मैंने बोला इनको मैं थोड़ा गार्डन में लेके जाता हूँ, इसको थोड़ी ठंडी हवा लगेगी, बेहतर महसूस करेगी। तो अभी मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। तो वो देखें, सामने से शेपर्ड भी आ रहे हैं दो, और इन्होंने उनको देख के बस छिलकूद मचा दी है। ये भी एग्रेशन में आ जाते हैं दोस्तों, किसी और जानवर को देखते हैं ना तो फिर ये भी गुस्से में आ जाते हैं। वरना वैसे ये बहुत कूल है, कोई तंग नहीं करते ज़रा सा। तो अभी वो चले गए, अभी देखें आराम से बैठ गए। तो गाइज, इसने लेक्सी ने आज काफ़ी मुझे परेशान किया था। खैर, ये अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर है और बिल्कुल भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। जो थोड़ा बहुत ब्लड आना शुरू हुआ था वो भी अब रुक गया। दोस्तों, गर्मी में ऐसा हो जाता है, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये ठंडे इलाके के जानवर हैं तो ये गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि कितने आराम से बैठे हुए और ये थक भी गए हैं और अंधेरा भी होना शुरू हो गया। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।